के हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लाखों जिंदगियां उजड़ चुकी हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक युद्ध का ऐलान करने जैसे शब्द इस्तेमाल करने से परहेज करते आए हैं। पुतिन ने बार बार यही कहा है कि उनकी सेना विशेष सैन्य अभियान चला रही है। अब पश्चिमी देशों के विश्लेषकों को डर सता रहा है कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन यूक्रेन में जंग का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इससे पुतिन को यूक्रेन में अपने अभियान को तेज करने का रास्ता मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि रूस 9 मई को विक्ट्री डे क्यों मनाता है। दरअसल साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की लाल सेना ने बुरी तरह से हरा दिया था। तभी से विक्ट्री डे सैन्य परेड का मॉस्को के लाल चौक पर आयोजन किया जाता है। इस दौरान रूसी नेता लेनिन के मकबरे के सामने खड़े होकर इस परेड का निरीक्षण करते रहे हैं। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। इस दिन रूस दुनिया के सामने अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन करता है। रूसी मामलों के विशेषज्ञ जेम्स निक्से ने अमेरिकी टीवी चैनल CNN से कहा, 9 मई के दिन को रूसी जनता को दिखाने, दुश्मन को डराने और उस समय के तानाशाह को खुश करने के लिए डिजाइन किया गया है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का लंबे समय से मानना रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन विक्ट्री डे के दिन का इस्तेमाल यूक्रेन में एक बड़ी सैन्य सफलता या फिर युद्ध को तेज करने के ऐलान के लिए कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति संकेतों में भरोसा करते हैं। उन्होंने यूक्रेन में सैन्य हमले को फादरलैंड डे के ठीक बाद शुरू किया था, जो रूस के लिए काफी अहम है। दावा ये भी किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन मार्शल लॉ लागू करके चुनावों को भंग कर सकते हैं। रूसी मामलों के विशेषज्ञ ने कहा कि रूसी सेना को अब तक की जंग में 15,000 सैनिकों को गंवाना पड़ा। अगर रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है तो उसे और ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। इस वजह से सैनिकों की भर्ती की समय सीमा बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पुतिन की सरकार के लिए खतरा भी बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मार्शल लॉ लागू करना बहुत ही खतरनाक फैसला होगा। उन्होंने कहा कि पुतिन देश में मार्शल लॉ लागू करके चुनावों को भंग कर सकते हैं और पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हैं। हालांकि 9 मई को पुतिन क्या करेंगे, इसका पहले से अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।